हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शोएब और आप देख रहे हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और जैसा कि आज हमारे पास एक नया पंप हमने लेकर आया है, दैट इज़ BNQS पंप। तो ऐसे भी हमने बहुत सारे RO पंप के ऊपर में रिव्यू किए हैं और उनके बारे में बताया है, उनके सारे फीचर्स के बारे में डिटेल दिया है कि वो कैसे हैं। और हमने ये भी ट्राई करा है कि पंप्स जो हैं उनकी लिमिट क्या है, कितने दिन तक जा सकते हैं, कितने साल तक जा सकती है, और वो जो कि TDS पर डिपेंड करता है। तो आज मैंने एक BNQS का पंप लेकर आया है, जो कि ये है 100 GPD का पंप। तो इस पंप की खासियत क्या है और क्या इसके साथ हुआ, तो ये जो है ये न्यू पंप नहीं है, ये मैंने एक कस्टमर के यहाँ से निकाल के लाया है। और ये जो है 16 को इसे लगाया गया था और मैंने इसे अभी 2019 चल रहा है तो इसे निकाला है। तो ये इसका जो प्रेशर था वो कम हो गया था और ये जो है 1200 TDS पे लगभग 3 साल तक के बहुत ही अच्छे कंडीशन में इसने काम किया है। अगर हम इसके पंप हेड को अगर चेंज कर दें तो ये आज भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। तो BNQS पंप का एडवांटेज के बारे में बात करें तो एडवांटेज तो ये है कि इसका प्रेशर जो है बिल्कुल मेंटेन रहता है। अगर आप प्रेशर मीटर पर चेक करें तो बिल्कुल 100 GPD, इट मीन्स ये 101 या 100 के बीच में ही क्या है अपना GPD जो है प्रोवाइड करता है, अपना प्रेशर प्रोवाइड करता है, कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करते हैं। बाकी पंप्स में तो ये ऐसा होता नहीं है, चेंज होते रहते हैं। और काफ़ी अच्छा पंप है कह सकते हैं। इसके जो हेड की बात करें अगर, तो हमने पिछले भी वीडियो में कुछ पंप्स दिखाए हैं जिसमें हमने पंप हेड के बारे में भी बात की है। तो उसके हेड की जो ये जो मोटाई होती है वो लगभग इतनी होती है इको 100 लक्स प्योर इको 100 में आपने देखा होगा, ड्यूरेबल 100 में इस कुछ इस तरीके का ही हेड होता है। तो वो भी हमारे वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का ये BNQS का 100 GPD का पंप है। अगर ये सामने अगर ये स्टिकर मैं रिमूव करूँ तो मैं आपको दिखा पाऊँगा कि यहाँ पे हम जो प्रेशर जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये 4 स्क्रूज हैं, इस चारों स्क्रू को रिमूव करने के बाद हमारे पास एक स्प्रिंग और एक ब्लॉक टाइप का सिस्टम मिलता है जो कि सोलेनॉइड वाल्व में जैसा रहता है। तो इससे हम प्रेशर को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इसका ओवरऑल हेड है। और ऑब्वियसली जो BNQS का जो हेड है वो तो फेमस है कि सबसे बेस्ट हेड जो है वो BNQS का होता है, तो वो कॉस्टली भी होता है। ये तो इस तरीके का चीज़ है ये BNQS। अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो अगर हम BNQS पंप के प्राइस के बारे में बात करें तो ये जो लेक्सप्योर जैसा लेक्सप्योर का हमने पंप देखा था इको 100, तो उसका जो प्राइस है उससे ये क्या है थोड़ा ज़्यादा है। मतलब कह सकते हैं कि अब हेवी है और लेंथ भी इस पंप की ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका प्राइस जो है वो वैरी करेगा। तो ये जो है लगभग ड्यूरेबल 100 की इक्विवेलेंट है। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो मैं इसके प्राइस और सारे डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लिंक्स जाकर के चेकआउट करें कि क्या है इस पंप का। बाकी तो बात करें अगर इसके प्रेशर की, तो प्रेशर तो काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज 24 वोल्ट लेता है अपने आप को ड्राइव करने के लिए। SMPS जो इसमें हम प्रोवाइड करेंगे, अगर 1.5 एम्पियर का हम 1.5 एम्पियर का अगर SMPS जो हम प्रोवाइड करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है, तो वो बिल्कुल ज़बरदस्त है। और इसमें थ्रॉटल जो थ्रॉटल की बात करें तो ये जो है 800 CC का है, तो वो काफ़ी बेहतर है। और यहाँ पर बाकी सब जो सक्शन की बात करें, तो मैं हमेशा हर पंप में एक बात करता हूँ कि सक्शन हाइट क्या होनी चाहिए। तो ये जो BNQS का पंप है इसकी सक्शन हाइट भी 2 मीटर है। मतलब ये है कि इसको एक एडिशनल प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ऐसे डायरेक्टली नॉर्मली अगर पाइप से कनेक्ट करते हैं तो ये खुद ब खुद क्या है पानी को सक कर सकता है। तो ये जो है काफ़ी बढ़िया बोल सकते हैं फीचर है जो कि BNQS और लेक्सप्योर इको 100 के लेक्सप्योर ड्यूरेबल 100 के साथ में ये होती है, तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर बात करें 1200 TDS में ये जब 3 साल परफॉर्मेंस दे रहा है, तो अगर हमारे TDS अगर कम होती है, अगर हम 500 TDS की बात करें, अराउंड 500-700 TDS की बात करते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, तो BNQS जो है काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। तो ये उस टाइम में मिनिमम 5 ईयर तो ये चलना ही चलना है। तो ये एक एडवांटेज है BNQS पंप के साथ। तो